राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के जो पीजी कॉलेज एडमिशन है उनके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था कि भाई उनको एमडीयू या फिर केयू के जीजीयू किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन ना लेके आपको पीजी कोर्स किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से करना था, ठीक है। जैसे कि आपका जाट कॉलेज है, वैस कॉलेज है, गोड कॉलेज है, या फिर आपका नेकीराम कॉलेज है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है, डीएन कॉलेज, किसी भी एक्स वाई जेड कॉलेज से आपको पीजी कोर्स करना है, तो उसके फॉर्म वो कब निकलेंगे। तो मैंने भाई कुछ कॉलेजों में पर्टिकुलर पर्सनली बात की थी कि उनके फॉर्म वो कब तक निकल सकते, क्योंकि डीएचसी की तरफ से तो कोई नोटिस आया नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ कॉलेज जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के, जैसे रोहतक में आपका आईसी कॉलेज है और आपका नेकीराम कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद इसार में आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, उन कॉलेजों को, मतलब जो कॉलेज गवर्नमेंट है उनको छोड़ के जो आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, या फिर आपका कोई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, या फिर आपका कोई भी प्राइवेट कॉलेज है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके एडमिशन है वो आपके चालू हो रहे हैं, ठीक है। वो अपने एडमिशन वो अपने बिहाफ पे करवा रहे हैं, पर्टिकुलर जिस कॉलेज में जाके आपका एडमिशन लेना उस कॉलेज में जाके आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे जाट कॉलेज रोहतक है, माथुराम कॉलेज है, सीआर कॉलेज है, वैस कॉलेज है, गोड कॉलेज है, ठीक है। ये कॉलेज क्या है कि अपने बिहाफ पे पीजी कोर्सेज के एडमिशन है वो करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है, जैसे आपको क्या करना है कि आपको एमए एमएससी एमकॉम एमबीए वगैरह करनी है किसी कॉलेज से, ठीक है, आपको जाट कॉलेज से करनी है, माथुराम से करनी है या वैस से करनी है, तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज के अंदर जाना, जाके अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। उन्होंने एक बात कही है, ठीक है, दो तीन कॉलेजों वालों ने, कि सर हमारी सीटें, वो पर्टिकुलर जो बच्चा आता है आके एडमिशन लेता है सीट फुल हो जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी कोर्स की अगर 60 सीटें हैं तो वो 60 ही रहेंगी, 60 से 61 सीट हम नहीं करेंगे, जो बच्चे पहले 60 आएंगे उनका एडमिशन हम कर देंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का एडमिशन लेना भाई कल परसों या फिर सोमवार को चले जाना, कल तो मेरी छुट्टी हो सकती है कुछ कॉलेजों की, सैटरडे है इस वजह से, तो मंडे को जिस भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट को छोड़ के किसी प्राइवेट या किसी भी, मतलब गवर्नमेंट एडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जाके भाई अपनी सीट बुक करवा लो और अपना एडमिशन वो ले सकते हो, क्योंकि बाद में फिर सीट फुल हो जाएंगी और फिर बाद में मेरे को भले मत करना कि मेरे को अपडेट नहीं मिला था, ठीक है। हम टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, होप करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी भी प्राइवेट या फिर आपको सेल्फ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो जाके एडमिशन करवा सकते हो। जुलाई मैक्सिमम उनकी सीट भरने की, वो कहते हैं कि जुलाई से में हमारी सारी की सारी सीटें फुल हो जाएंगी और अगस्त में हम क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपको एडमिशन लेना तो वहाँ पे जा सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज का अभी कोई अपडेट आया नहीं, जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है इसको भी आप फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।